स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपना चैनल INDI हिंदी टेक में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेटीएम वॉलेट एप्लीकेशन की एक नया अपडेट के बारे में। हमेशा से लगातार पेटीएम वॉलेट एप्लीकेशन की नया अपडेट आते रहती है, लेकिन इस बार जो 6 मार्च 2020 को पेटीएम वॉलेट एप्लीकेशन का अपडेट आया है उसका लुक ही बदला सा आपको नजर आएगा। तो चलिए इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। सबसे पहले आप पेटीएम वॉलेट एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से अपडेट लीजिएगा अगर आप अपडेट नहीं किए हैं तो। उसके बाद हम इस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं और आपको हम बताते हैं। इस एप्लीकेशन को हमने ओपन किया, ओपन करने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं लुक जो है इसका होम पेज का वो बिल्कुल सा चेंज है। क्या कुछ नया फीचर्स इसमें जोड़ा किया है वो भी हम आपको बताएंगे, धैर्य रखिए। यहां पर दोस्तों आप लोगों को यहां पर कॉर्नर पर मिलता था कैशबैक वाला ऑप्शन, लेकिन अब आपको यहां पर कैशबैक एंड ऑफर वाला ऑप्शन यहां पर देखने को मिलेगा। यदि आप एक मर्चेंट अकाउंट बनाना चाहती हैं तो BKM ए मर्चेंट पर क्लिक करके मर्चेंट अकाउंट बना सकती हैं। ऊपर में आपको पे मनी, ट्रांसफर मनी, ऐड मनी की ऑप्शंस मिलेगा, पासबुक और पेटीएम फर्स्ट का भी ऑप्शंस मिलेगा। साथ ही साथ एक फास्टैग को भी ऊपर में जोड़ा गया है। उसके बाद मर्चेंट अकाउंट साइन अप कर सकते हैं, नियर बाई स्टोर का भी ऑप्शन आपको मिलेगा, भीम UPI और नियर बाई KYC पॉइंट भी आप देख सकती हैं। दोस्तों यहाँ पर 3 डॉट पर जो आइकन दिख रहा था, पहले 3 डॉट दिख रहा था लेकिन अब आपको प्रोफाइल की आइकन दिखेगा। इस पर क्लिक करोगे तो यहां पर सबसे ऊपर में आपका KYC वेरीफाई है या नहीं वो लिखा जाएगा। आप अपने QR कोड को यहां से देख सकते हो। उसके बाद पेटीएम फर्स्ट की ऑप्शंस पहले के जैसा मिलेगा, लेकिन यहां पर पेटीएम वॉलेट में जितने भी बैलेंस मौजूद है वो यहां पर आपको नजर आ जाएंगे। उसके बाद नीचे में ऑप्शंस आता है पेटीएम पेमेंट बैंक की, जहां पर आप देख सकते हैं पेटीएम पेमेंट बैंक की UPI और उसके नीचे पेटीएम पेमेंट बैंक की ऑप्शंस आता है। मतलब वन क्लिक में आप ये सारा कुछ देख सकती हैं। अब हम स्क्रॉल डाउन किए हैं। स्क्रॉल डाउन करने के बाद जो भी आप ऑर्डर करके रखोगे, चाहे बिल पेमेंट करो, टिकट बुक करो या फिर शॉपिंग करो, वो आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा। 24x7 का हेल्प आपको यहीं पर नजर आएगा। उसके बाद सेटिंग्स की ऑप्शंस पहले के जैसा, जैसे प्राइवेसी, सिक्योरिटी, लैंग्वेज एंड पेमेंट सेटिंग की ऑप्शंस आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर वन क्लिक करके आप सारा कुछ देख सकते हैं। अब कुछ और बातें करती हैं। अब यहाँ पर कैशबैक ऑफर में कुछ बदलाव किया गया है, चलिए हम आपको कैशबैक ऑफर में क्लिक करके बताती हैं। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि टोटल कैशबैक आपने कितना तक प्राप्त किया है वो लिखा जाएगा। उसके बाद पेटीएम फर्स्ट का पॉइंट जो है आपको यहाँ पर नजर आएंगे। पेटीएम फर्स्ट पॉइंट आपको कुछ मिला होगा तो यहाँ पर नजर आएगा, ये एक नया सा है पेटीएम फर्स्ट का पॉइंट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर वाउचर एंड डील जो एक्टिवेट करके रखोगे, यहाँ से आप लोग देख सकते हो, माई वाउचर पर वाउचर देख सकते हो, डील पर जाकर देख सकते हो। उसके जस्ट नीचे आपको सारा ऑफर देखने को मिलेगा। स्क्रैच कार्ड की एक नया फैसिलिटी यहां पर जोड़ा गया है, जहां पर अगर आप पे करते हो तो यहां पर आपको स्क्रैच कार्ड मिलेगा, जिसे स्क्रैच करके आप ऑफर को प्राप्त कर सकते हो। देख सकते हो यहां पर स्क्रैच कार्ड के नया फैसिलिटी जोड़ा गया है। उसके बाद दोस्तों यहां पर अगर आप शॉप पर जाकर पेमेंट करते हो तो उस पर ऑफर देखना चाहे तो यहां पर क्लिक करके आप लोग देख सकते हो, जितने सारे ऑफर होंगे ना शॉप पर पेमेंट करने का वो सारा कुछ आपको नजर आ जाएगा। उसके बाद मनी ट्रांसफर या बैंक ऑफर कुछ होगा तो आपको इस पर क्लिक करके नजर आ जाएगा। ऑनलाइन शॉपिंग वाला ऑफर भी आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद रिचार्ज और बिल पेमेंट पर जो भी ऑफर रहेगा आपको यहां पर नजर आएगा। मतलब ये जो लुक है बिल्कुल सा बदल दिया गया है और काफी मजेदार आपको लुक लगेगा। थोड़ा दिन इस्तेमाल करो, बहुत अच्छा आपको लगने वाला है। और यहाँ पर होम पेज पर ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन मोर वाले ऑप्शंस पर क्लिक करके जो भी यहाँ पर फैसिलिटी रहेगा, जैसे क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करना, फ्लाइट टिकट बुक करना या फिर पेटीएम पर शॉपिंग करना, ये सारा जो ऑफर रहेगा या फिर फंक्शन रहेगा, इसका फीचर्स है वो सारा कुछ यहाँ पर नजर आ जाएगा। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा अपडेट किया गया है। इस पर क्लिक करोगे ना तो ये लिस्ट वाले में ऑप्शंस में आ जाएगा। जैसे इस तरह से आप देख सकते हो लिस्ट प्रकार के व्यूज आ गए हैं कैटेगोरी वाइज। फिर इस पर क्लिक करोगे तो कुछ इस प्रकार के ऑप्शंस आपको नजर आएंगे। आप चाहे तो यहां पर सर्च भी कर सकते हो, जो भी आपको सर्च करना हो वो आप सर्च कर सकते हो। तो पेटीएम वॉलेट एप्लीकेशन की एक बहुत ही बेहतरीन अपडेट दिया गया है, जो बिल्कुल सा बदल के रख दिया है पेटीएम वॉलेट एप्लीकेशन के लुक को। यहां पर आपको यूज करने में अब बहुत ज्यादा मजा आने वाला है।
तो इस वीडियो में हमने अब तक आपको लगभग सारा डिटेल में बता दिया है कि क्या कुछ यहाँ पर लुक आपको कहाँ कहाँ पर क्या मिलेगा वो सारा हमने बता दिया है। जब आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो सबसे ऊपर में आएगा अकाउंट सेफ्टी टिप्स की ऑप्शंस, उसके बाद 24/7 सपोर्ट या हेल्प की ऑप्शंस मिल जाएगा। उसके बाद यदि आपका बिजनेस अकाउंट है जो इसी नंबर से खुला हुआ है तो आप यहाँ पर ऑल इन वन QR कोड यहीं से प्राप्त कर सकती हैं। अगर सिक्योरिटी टिप्स के बारे में बात करें, अकाउंट सिक्योरिटी टिप्स के बारे में, तो यहाँ पर जो पोस्ट डाला गया था पेटीएम के द्वारा इनके ब्लॉग पर, वो टिप्स आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे। जो आपको पता होगा कि यहाँ पर कुछ फेक मैसेज वगैरह किए जाते हैं और पेटीएम वॉलेट से पैसा उड़ा लिया जाता है, तो इन सभी से आप बच के रहे। इस पर हम पहले ही एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुकी हैं, तो इसके बारे में ज़्यादा डिटेल अगर आपको चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप वीडियो को देख सकती हैं। यहाँ पर एक और बात मैं आपको बता दूं कि कुछ नया फैसिलिटी भी इसमें लाया गया है। जैसे यहाँ पर बैंक वाले ऑप्शंस पर क्लिक करोगे, उसके बाद आपको यहाँ पर फिंगरप्रिंट लॉक की भी ऑप्शंस आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर कुछ नया फैसिलिटी भी इसके साथ जोड़ा गया है। अगर आप पेटीएम वॉलेट ऐप को रेगुलर इस्तेमाल करते होंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि कौन कौन से फीचर्स इसमें नया लाया गया है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसी तरह के वीडियो और अपडेट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए गुड बाय।